Wi-Fi connected. Okay. Good evening, good evening. नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम। बड़े दिन हो गए लाइव आए अच्छे से, तो आज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, हल्का सा वार्म अप, फिर थोड़ी सी बातचीत, इलस्ट्रेशंस को लेकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करता हूँ। एक लेडी, मतलब जो जो मजदूरी करती है, ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक है? रैपिड से उसको हल्का सा डिटेल की तरफ चलेंगे। अभी रेपिड ही चल रहा है, थोड़ा सा हल्की सी डिटेल बाद में ऐड करेंगे, थोड़ा सा ना पता चल जाए भाई स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से हम उसको रेडी करें। इसको थोड़ा सा डिटेल भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये अम्मा ने अपनी साड़ी लपेट रखी है, साड़ी तो क्या, हमारे राजस्थान में तो इसको बोलते हैं लुगड़ी, जो कि ऊपर की जो ये चुनर होती है वो है ये। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर खींच चुका है, अब इसको जीवित करना है। अगर थोड़ा बहुत आपको ऐसे करना है कि भाई ठीक है, अच्छा लगे और बढ़िया दिखे, डिटेल दिखे, तो आप उसको कर सकते हैं। सिर्फ शेड्स का पीछा करना है आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है? जो रेफरेंस है वो ये रहा, मैं आप लोगों के सामने हल्का सा रख देता हूँ रेफरेंस। जो बीच में जो लेडी है ये है, ये वाली, ठीक है, ये आंटी। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, हल्का सा। वही मेरा परमानेंट एक डायलॉग है, घबराना नहीं है, बस करते जाना है। घबराओगे तो ये फोर्स नहीं आएगा, वो स्पीड नहीं आएगी, वो मजा नहीं आएगा। शेड्स का पीछा करो, इधर की तरफ देख रहे हो, ये शेड्स देख रहे हो, बस सिर्फ शेड्स का पीछा करो, क्योंकि लाइनें जितनी करनी थी वो अपन ने कर दी। जो लाइनें जितनी भी करनी थी वो पूरी की पूरी हमने कर दी है, अब सिर्फ शेड्स का पीछा करना है हमने।
रैपिड स्केच को आप स्कीप ना करें, रेगुलर करते रहें। बहुत से लोग आएंगे जो आपको मना करेंगे भी रैपिड स्केच करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों फालतू में इतनी जल्दीबाजी कर रहा है, थोड़ा आराम से कर ले। उनको बोलना कि आराम से करने का वक्त है, बट ये जल्दबाजी बहुत ज़रूरी है। जितना समय देते जाओगे उतना डिटेल से वो निकलता जाएगा। ज़्यादा डाक करने की कोशिश ना करें भाई। ज़्यादा कई बच्चों के जहन में कि वहम होता है कि भाई डाक चलाओ, सर भी डाक चलाते हैं। तो मैं डाक वहीं चलाता हूँ जहाँ डाक की डिमांड है ना। हर जगह डाक नहीं करता हूँ मैं, मुझे यहाँ दिख रही है भाई डार्कनेस यहाँ है तो मैं वहीं देता हूँ, हर जगह नहीं करता हूँ। कि लाइट से डार्क की तरफ आप जा सकते हैं, फिर डार्कनेस से वापस लाइट की तरफ लौट पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, टफ है। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं वो अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले हल्का सा एक ये वार्म अप था, बड़े दिनों में आप लोगों के साथ में लाइव स्केच किए। फील आ रहा है, वो मजा आ रहा है। देखो मुझे तो आया, बहुत आया। आप लोगों को पता नहीं आया या नहीं आया, पर मुझे बहुत आया। तो एंजॉय करना है इस पेंसिल के साउंड को भी, खच 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 साउंड भी फील देता है। आप अकेले नहीं हो। बस बहुत है। अब ये कंप्लीट है। ओके, तो देख रहे हो आप, कुछ इस तरीके से बनाया मैंने। बेटा ये गेट बंद कर दो, नहीं सीटी आएंगे। अभी आ गई आ गई। देखो फील आ रहा है, घच 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 घचा घच, कुछ भी नहीं किया हमने, बट मजा आया। ठीक है, आंटी जी बनके रेडी है। चलो ये तो हुई आंटी जी, अब बात करते हैं कि इलस्ट्रेशन पावर को किस तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, मेरी हालत थोड़ी ऐसी ही हो रही है। चलो बात करता कि इलस्ट्रेशन जो पावर है उसको किस तरीके से अच्छा किया जाए, कि जो मन में चल रहा है उसको कैसे ठीक करें, मतलब जो उसको उस पे इमेज पे किस तरीके से हम उतार सकें। ठीक है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे मार्केट सीन हुआ, कॉलेज का कोई सीन हुआ, हॉस्पिटल का सीन हुआ, ये अच्छे से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब इसको ठीक कैसे करें? तो ठीक करने का एक ही कारण है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई ऐसी कोई जादू नहीं है कि भाई हम किसी भी एक स्केच को तुरंत, अब जैसे मैंने अभी ये बनाया, ठीक है थोड़ी देर में, अब ये देखा आपने क्या था, किस तरीके से बनाया हमने, बस उसको उस फोटो को देखा, देन स्टार्ट किया टू। मुझे नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, हमने रैपिडली स्टार्ट किया। तो अपने इलस्ट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पता है सर, साउंड्स। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? ठीक तो है, आवाज आ रही है नहीं आ रही? एक बार कंफर्म कर दो, किसी ने बीच में लिख दिया कि साउंड। साउंड
साउंड आ रहा है आई थिंक. हेलो सर. हेलो. हाय 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 हाय. साउंड का कंफर्म कर दो. साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो सकता है वाईफाई की क्लियर आवाज आ रही है. ओके चलिए बड़ा ठीक है. तो मैं ये कह रहा था कि अपने इलस्ट्रेशन पावर को किस तरीके से हमको स्ट्रॉन्ग करना है. क्या होता है कि आपकी कोई लाइफ से रिलेटेड जितनी भी मतलब मेमोरीज हैं, आप उनको ड्रॉ करना शुरू करो. स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आएगी कि आपने अपनी कोई मेमोरी को ड्रॉ करना शुरू, बट क्योंकि वो इमेज कहीं नहीं मिलेगी, ना वो पिंटरेस्ट पे मिलेगी ना गूगल पे मिलेगी. ठीक है, पिंटरेस्ट पे जो भी डाउनलोड करते हो हर तीसरे के पास. तो आपकी जो खुद की जो मेमोरीज हैं है ना, आपको उसको ड्रॉ करना है. वो मेमोरीज कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी. आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गए, आप उसको ड्रॉ करो. आपका कॉलेज का पहला दिन, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैं जैसे कि अभी कॉलेज का पहले दिन से देखो, मैं करके बताता हूँ कि मेरा कॉलेज का पहला दिन कैसा था. बट और पता क्या कि जब आप उसको ड्रॉ करो ना, तो कि स्टोरी होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, वो फील होना चाहिए. जब आप उसको ड्रॉ करो तो एक पूरी स्टोरी आएगी, मतलब आपके साथ में वो पूरा दिन जाएगा. अब मैं अपने कॉलेज के पहले दिन की बात करता हूँ साहब. ठीक है, मेरा कॉलेज का पहला दिन, मेरा एडमिशन हो गया. अब उसके बाद जो मेरा पहला दिन था, उस कॉलेज के सामने खड़े होकर 10 मिनट तो मैं खड़ा रहा था कि यार घुसू नहीं घुसू, अंदर कैसे जाऊं, कहाँ क्लास है, किससे क्या पूछू. ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपने वो ही करना है. करना कैसे है? रैपिडली. मेरा कॉलेज कुछ ऐसा था, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ. बड़ा खूबसूरत था, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, पता नहीं आप लोगों ने, कईयों ने नाम सुना होगा, बट बड़ा ही खूबसूरत था. पहले रफली फेयर नहीं करना है आपने, उसने पुराने जमाने का बहुत बड़ा गेट था यहां कॉलेज के एंट्रेंस, और उसके अंदर एक छोटा सा इतना सा गेट, जैसे जेल में से निकलते हैं ना मूवीज के अंदर, जैसे कहीं जेल के अंदर निकलते हैं सजा काट के, तो इसमें से निकलते थे. छोटा तो क्या था, अच्छा खासा था, ये भी 4 फीट का. ये गेट बहुत प्यारा था, सुंदर. रैपिडली ड्रॉ करना है. यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, उसके नीचे है कार्विंग के साथ में, मतलब पत्थर पे मार्बल पे, और उस पर नीचे लिख रहा हुआ था हुनरो मिस्त्रो. ये किसी जमाने में लिखा गया था हुनरो मिस्त्रो ऐसे करके. यहाँ पे एक डेयरी थी, चादर डाल के एक डेयरी थी, तेज सिंह जी की चाय की थड़ी. इस तेज सिंह जी की चाय की थड़ी, यहाँ खूब सारे लोग बैठे रहते थे, उनमें से एक मैं भी था बाद में. ठीक है, इधर एक गली थी, फिर इधर एक बिल्डिंग, खिड़कियां एकदम हवा मिल की तरह छोटी छोटी. यहां हमारे एमएफए के क्लासरूम की खिड़कियां, ऐसा कुछ मेरा कॉलेज दिखता था, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट. आप सर्च करके देखना, तो वो ऐसा कुछ दिखता है. बड़ा खूबसूरत था, एक ओरा था, मतलब जो वहां बना हुआ था. और इसके जस्ट सामने की तरफ इधर रोड क्रॉस करके बीच में एक रोड थी, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर बोलते हैं कुछ यहां से. और ये बड़ा क्राउडी एरिया है, मार्केट के बीचों बीच है. शायद इस कॉलेज को उस मार्केट के बीच नहीं होना चाहिए, बट देखा जाए स्केचिंग के लिए तो सबसे बेस्ट था. यहां से बसों का जाना, मतलब रोड क्रॉस करने में शायद 5 मिनट लग जाता था इतना. और इधर की साइड में मैं खड़ा था, एकदम मासूम सा, गोरा सा, पतला सा, काला तो आज हो गए, इस जमाने में हम भी गोरे थे. ठीक है, फोल्डेड हाथ से शर्ट को फोल्ड कर रखा. ठीक है, 300 रुपये की एक शर्ट होगी, बड़ी नई खरीद के लाए थे कि आज कॉलेज जा रहे हैं नया कुछ पहन के जाए. तो ऐसा कुछ आज भी याद है मुझे वो दिन. ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको बाद में आप क्लियर कर सकते हो, बट अभी इतना करना है. ठीक है, एक ट्राउजर,
नेरो वेरो तो चलते नहीं थे, स्ट्रेट ही था मामला। और साइड वाला एक बैग डीजल का, ठीक है, कहने को डीजल था 150 रुपए का साइड वाला बैग। और इधर एक फाइल स्केच पर, बस ये मेरा पहला दिन था जो मैंने नोटबुक किया। उधर ऑलरेडी वो बच्चे जो शायद कॉलेज के अंदर एंटर हो चुके थे, शायद डेली आ चुके थे, मेरा थर्ड लिस्ट में नाम था, ठीक है, कॉलेज की जो थर्ड लिस्ट निकली थी उसके अंदर एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया था तो मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरे पास कॉल आई थी। ओके, तो फिर इसलिए मैंने, फिर मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैं सबसे लेट था तो दोस्त बना पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। तो पूरा फील है इस स्केच को बनाते टाइम, मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो फील चल रहा है अभी। फर्स्ट ईयर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जब मैं एंटर हुआ था तब की बात चल रही है, तो वो फील था, मतलब लाइक दोस्त बना पाना, क्योंकि एक एक ऐसा लड़का जो शायद बात ही नहीं करता था, ठीक है, ये बाद में अब थोड़े बातों नहीं हो गए हैं, वो तो लोगों ने बना दिया बट नहीं करते थे बात, तो वो ऐसा कुछ था, गवर्नमेंट कॉलेज था। हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज था। तो सबसे पहला दोस्त बना एक चेतन जो साइकिल लेके आता था, तो सबसे पहले अंदर गए, मतलब बहुत सी चीजें हैं, आप उस मोमेंट को भी ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहला दोस्त जो मेरा चलो चेतन बना, उस मोमेंट को भी मैं ड्रॉ कर सकता क्योंकि मुझे वो मेरी तरफ वो ही दिखा, मतलब ऐसे बिल्कुल छोटा सा स्केचबुक उसके हाथ में, मुझे लगा मुझे हाँ यही लायक है अपने दोस्ती के, मगर भाई दोनों एक दूसरे से हैं, मतलब एक जैसे ही हैं, चोमू से पागल से, ठीक है चलो दोस्त बनते हैं। ये हमारा चेतन था, ऑरेंज कलर की इसने टी शर्ट पहन रखी थी, आज भी याद है। इसके भी हाथ में फाइल थी, ये भी लेट आया था, बस यहीं से हमारी दोस्ती शुरू। बातचीत कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई कि भाई तेरी स्केचबुक दिखाना, तेरा काम देखना, कुछ इस तरीके से बातचीत स्टार्ट हुई। चलो बातचीत आगे चली, तो ऐसे कुछ करके फिर बाद में और दोस्त आया, फिर अचानक से एक दोस्त और आया बड़ा स्मार्ट सा, क्लास में हमारा एडमिशन हो गया, सारे हम दोस्त बन गए। तो क्लास में हम सारे बच्चे बैठे हैं, देखो ठीक है, बड़ा अच्छा सीन था, मतलब लास्ट में एक बच्चे का और एडमिशन हुआ, अप्रोच से हुआ था उसका, और वो हमारा आगे जाके इतना अच्छा दोस्त बना ना जिसकी हद नहीं। अभी सिर्फ रफ बनाना है हमने, ये बच्चे क्लास में बैठे हैं, ये पलट कर देख रहा है पीछे, सब एक स्मार्ट से लड़के की एंट्री हुई, खटैक लड़का था कपिल। उस दिन मतलब क्लास में ये MIB मैन इन ब्लैक मूवी के अंदर जो होता है ना, वो चेयर को खिसका लेता है, उसी तरीके से हमारा विली स्मिथ था, ये यहां से चेयर को खिसका के यहां तक लाके खुद ही लगा के आराम से चोड़ में बैठ गया बड़े साउंड के साथ। बोला ये दिन है, वो जर्नी है, वो याद है मुझे। तो ऐसे मोमेंट्स आप भी याद कर सकते हैं ना, अपने ऐसे मोमेंट्स को ड्रॉ करो आप, इस तरीके की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और वो ना पिंटरेस्ट पे मिलेगा ना कहीं मिलेगा, ठीक है। बनाते टाइम बहुत टफ पड़ेगा बट नो डाउट आप बना सकते हो, फील के साथ में घुसना पड़ेगा, उस फील के साथ में वहां जाना पड़ेगा, उस जगह पहुंचना पड़ेगा, बातों ही बातों में, सोचते ही सोचते। कभी कभार होता ना कि हम बैठे होते हैं घर वाले या कोई भी जो दोस्त आवाज दे रहा, 3 बार आवाज दे ली, कि भाई तेरे को 3 बार आवाज दे ली तू सुन नहीं रहा। हम 3 बार आवाज देने के बावजूद वहां पर इसलिए नहीं सुन रहे होते हैं क्योंकि उस मोमेंट में हम कहीं और होते हैं, है ना, तो वही वाली बात है। बट सोल के साथ में, फील के साथ में आपको ये काम करना है, आपकी लिस्ट्रेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट में बड़ी दिक्कतें आएंगी। सर आपके फ्रेंड्स अभी कहाँ है, कोई कॉलेज में है पढ़ा रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है? एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, रामराज चौधरी, बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब वो क्लास में इतना ध्यान नहीं देता था, तो उसका काम भी मैं ही कर दिया करता था अक्सर, हमेशा से ही आज आज
हो गया आपका। अच्छा रेस्पेक्ट टू, अच्छा थैंक यू ऋषभ, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। तो पता है क्या है कि तो वो रामराज उसका काम नहीं करता, उसका एग्जाम में भी मैं कर देता था छिप छिप के। तो एग्जाम वो भी अच्छा चला रहा है, अभी उसका होटल है, अच्छा अपना होटल पे काम कर रहा है। और चेतन, चेतन अभी उसका मिनिएचर का आर्टवर्क है तो वो भी एक अच्छी जगह एक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सब अपनी अपनी जगह सेट है, और ऐसा नहीं होता कि सारे ही अच्छे हों, बहुत से दोस्त हैं जो शायद नहीं है उस जगह, बट हमसे जितना बन पड़ता है हम करते हैं। ठीक है, बट कुछ लोग होता ना कभी कभी कुछ करना ही नहीं चाहते, आप उनको दोबारा उठा नहीं सकते हो, मरे हो को एक बार जिंदा कर सकते हो दोबारा नहीं। ठीक है, आप बहुत एफर्ट्स कर सकते हो, खूब एफर्ट्स कर सकते हो, बट किसी ने अगर ठान ही लिया कि मुझे मरना ही है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, बचाया उसे जा सकता है जो जिंदा रहने की चाह रखे। तो ऐसे कई दोस्त भी थे जिन्होंने अपने आप को खत्म भी कर लिया, मतलब खत्म इन द सेंस मतलब अपनी आर्ट फील्ड ही छोड़ दी, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है सभी की स्टोरी बहुत अच्छी रहे। मैं आज, चलो आप लोग बैठे हैं तो मैं अपनी स्टोरी सुना दूं, बहुत बोरिंग हो सकती है मेरी स्टोरी, मेरी जो जर्नी थी ये इस कॉलेज से ही। मैं जब कॉलेज में एंटर हुआ, मैं स्कूल से बताता हूँ अपनी स्कूलिंग, स्कूलिंग मेरी जो, क्योंकि कईयों को बहुत पावर मिलेगी इस चीज़ से, ये स्टोरी सुनना, ये स्टोरी बहुत पावरफुल है, इसमें कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल प्योर है, मतलब मैं कुछ भी इधर उधर कुछ मसाला लगा के नहीं बताऊंगा, बहुत प्योर है। सुनना आज, आज बताता हूं मैं अपनी स्टोरी कि कहां से मेरी स्टोरी स्टार्ट हुई और मैं कहां से कहां तक अब क्या कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अपने, मैं बचपन से जाता हूँ। ठीक है, मैं बचपन से जाता हूँ, मैं मुझे शौक था, स्टार्टिंग से मैंने काम किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट क्या होता है कि जब आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मेरे पिताजी इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन में ऑफिसर थे, आपके दादाजी जब रिको में ऑफिसर हों, आपके भाई, आपकी बहनें, मतलब आपके कजन, सब ने ना एक अच्छा क्राइटेरिया सेट कर रखा था, बहुत अच्छा क्राइटेरिया, लाइक वो मेरिट लिस्ट में जो होता था ना, 10th में, 11th, ये इसमें क्या बोलते हैं, 8th में, उस टाइम पे मेरिट लिस्ट होती, मेरिट निकलता है 70% से भी ज़्यादा, अबाव 90, 80, वो इतने लाते थे मार्क्स। मैं था बिल्कुल एवरेज, 50, 55 उस टाइप का। और आप मानेंगे नहीं, 10th क्लास में तो मेरे सप्लीमेंट्री थी मैथ के अंदर, गणित तो जीवन में लगा ही नहीं, जब वहां नहीं पढ़ी तो जीवन में कहाँ लगानी थी, तो गणित वहां भी नहीं लगाई। ठीक है, तो फेल हुए, 12th तक आया तो किसी ने कहा कि यार फाइन आर्ट्स करवा देना इसे, मुझे नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर मेरे बड़े भैया हर्ष कुंडारा जो मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने निर्धारित किया था, उन्होंने कहा कि तू यार तू फाइन आर्ट्स करना, बट 12th में अच्छे से ले आ मार्क्स, बट मैं 10th में सप्लीमेंट्री आ गया था, तो उनकी आशाएं टूट चुकी थी, मतलब घर वालों को ऐसा लगा कि यार हमारा एक बालक तो इसे निकल गया, नालायक निकल गया, मतलब ये क्या करेगा, ये अपना जीवन कैसे यापन करेगा, ये कहीं मतलब क्या करेगा ये कहीं पे। मुझे ऐसा लगता था कि अगर शायद मैं कुछ नहीं कर पाया तो वो मुझे कहीं अप्रोच फेप्रोच से लगा लूंगे, कहीं पे मतलब कांस्टेबल तो बना ही देंगे, मुझे लगा था, क्योंकि सब पुलिस में इस तरीके के फील्ड में है घर में। तो फाइनली 12th में मैंने खूब पढ़ाई करी, अंधी पढ़ाई, बहुत अंधकार के साथ, मतलब जबरदस्त, उसके बाद मैंने बनाई 56%, 56% ये मेरी बनी 12th में। एंड एडमिशन का टाइम आया तो मुझे तो पता भी नहीं था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किधर है, क्या है, कहाँ नहीं है, बट मेरे बड़े भैया जो हर्ष कुंडारा जी हैं उन्होंने एडमिशन वहाँ दिलवाया, वो दिन में 10 बार चक्कर काटते थे, सर नई लिस्ट निकली, सर नई लिस्ट। उस टाइम मेरे भैया RJS की तैयारी कर रहे थे, उन तो टाइम नहीं होता था, क्योंकि जब कोई RJS वगैरह की तैयारी करे तो इतना वक्त नहीं होता है उसके पास कि वो इन चीज़ों में जाए इतना, वो फिर भी जाते थे हर 2-3 दिन में कि नई लिस्ट आई। मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, देन सेकंड लिस्ट में भी एडमिशन नहीं हुआ, एंड फिर थर्ड लिस्ट में भी मेरा एडमिशन वेटिंग में था। तो बड़ा दुख हुआ घर वालों को, मतलब इतना मत पूछो कि यार ये अब क्या करेगा, इसके पास ऑप्शन क्या है। तो फिर जब थर्ड लिस्ट निकलने के बाद जो एक कॉल आया कि प्रियंका मैम, आज भी नाम याद है मुझे, प्रियंका मैम, उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने फीस जमा नहीं कराई तो आप आए और फीस जमा करा दें, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तुरंत मेरे भैया भगे, उन्होंने एडमिशन फीस, मुझे एडमिशन फीस भी याद है मेरी 1600 रुपये थी, 1600, तो वो जमा कराई, येलो सी रसीद कट के आई और मुझे एडमिशन मिल चुका था। अब दूसरे दिन कॉलेज जाना था, दूसरे दिन कॉलेज गए मैं। आज इससे पहले मैं 12th तक ऐसा बच्चा था ना, मुझे, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी बस में नहीं बैठा, ये से ट्रेवल करना एंड ऑल, मतलब मैंने कभी नहीं किया, मतलब ये ट्रैवलिंग वगैरह कभी नहीं की इस तरीके से। तो बस में बिठा के भी, मतलब भैया आए कि
वहाँ उतर जाना, क्योंकि उस टाइम व्हीकल्स नहीं थे, मतलब मोटरसाइकिल थी जो कि पापा ले गए थे, तो बस में बिठा के आए भैया, फिर मतलब आए वापस। तो जब कॉलेज के अंदर घुसा तो सबसे पहले तो ये कि यार पता क्या, इससे पहले तो अपन चलो कलाकार है, गली में के बहुत टॉप है, मोहल्ले में के टॉप है, ठीक है, तो अपने गली मोहल्ले में हम टॉप होते हैं, एकदम ऐसे होते हैं कंटेक्ट। बट अब उस जगह आ गए हैं जहाँ क्रीम आती है, समझ रहे हो, चुन के फाइन आर्ट कॉलेज, चाहे वो दिल्ली हो, जेजे हो, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हो, एमएस हो, ये सब ना क्रीमों को चुनाव करते थे। एक जमाना था जब अच्छे लोगों का चुनाव करते थे, अच्छे वर्क की वजह से, अच्छे परसेंटेज की वजह से, और उस समय एडमिशन परसेंटेज के बिहाफ पे होता था, हमारे टाइम पे परसेंटेज के बिहाफ पे था, एंट्रेंस एग्जाम नहीं थे उस टाइम। वो उनकी मानसिकता थी उन लोगों की, मुझे नहीं लगता कि कोई जो आर्टवर्क करता है वो शायद अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा हो, ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी, जो कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में नहीं थी। अब तो फिर भी शायद एंट्रेंस एग्जाम लग जाता है, बट उस समय नहीं था। तो वहां जाकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लो था इस चीज को लेके कि आप पहली बात तो 56% के साथ में आए हो, बड़ी भीख भीख में एडमिशन मिला था कि किसी ने नहीं लिया तो चलो ठीक है आपका, तो इस तरीके से भीख में एडमिशन था। तो वो एडमिशन जब ले लिया, उसके बाद चेतन मिला, पहला दोस्त मैंने बताया ना चेतन, चेतन लिया, उसका काम देखा, वो चेतन का काम ठीक ठाक है, अपने से थोड़ा सा इतना तो क्रिटिसाइज कर लेते हम, ठीक है। फिर आगे दिखता गया, फर्स्ट ईयर के जितने बच्चा है सभी का काम मुझे ऐसा लगा ठीक ठाक, मुझे यार अपना काम तो ठीक है, वो ऐसा थोड़ी है, लेकिन फिर भी चलो बैठे रहे। फिर सीनियर्स आए, उन्होंने रैंकिंग ली, लड़कियों की तरह चलवाया भी, गाने भी गवाए, काम देखा, फिर धीरे धीरे प्रोत्साहन मिला, लोगों ने कंधे पे हाथ रखा, अच्छा काम करता है। फिर कुछ सीनियर्स आए, उन्होंने सिखाया रेगुलर स्केच करने चाहिए। टीचर्स कुछ ही अच्छे थे, टीचर सारे अच्छे नहीं थे, बट सीनियर्स को मैं आज भी थैंक यू बोलूंगा, बहुत से सीनियर्स अच्छे थे, ठीक है, बट बड़ा वो ऐसे कड़क से लगते हैं, ऐसे आंखें ऐसे डीएम शूज और ऐसे, लेकिन वो ऐसे बोला था इधर स्केच बुक निकाल, देखते फिर कुछ सजेशन देते, समटाइम्स कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे। अब छोटे से बच्चे एकदम गोल से चिकने से छोटे से मुंह लेके चले जाते थे हम, 44 किलो के, 44-45 किलो हमारा वजन होगा, इस तरीके के जाते थे, आ जाते थे कॉलेज से। तो एक ठीक है, एडमिशन हुआ, एग्जाम हुए, पेपर्स हुए, क्योंकि अब क्या था, अब वही करना है, अब आपको सिर्फ आर्ट ही करना है, नहीं तो बाद में खाऊंगा, अब आपको आर्ट ही करना है। आप उस कॉलेज में आ चुके, दबा के काम किया मतलब फर्स्ट ईयर में, आप मानेंगे नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर मैंने कॉलेज टॉप नहीं किया था, मैंने पूरा राजस्थान टॉप किया था, राजस्थान में जितने भी फाइन आर्ट कॉलेज हैं, समझ रहे हैं, कॉलेज टॉप नहीं किया था मैंने, पूरा राजस्थान टॉप कर दिया। आप घर पे गए तो मैं पहली चीज तो ऐसा कॉन्फिडेंस था नहीं कि घर वाले घर पे जाके पापा को भी जाके बोलते हैं ये हमने टॉप कर लिया, ऐसा नहीं था, नहीं बोल सकते। इससे पहले हमने जो झंडे गाड़े थे ना 56% सप्लीमेंट्री, वो हमारे सच को झूठ बना देते हैं, मतलब ये है ना कि 100 100 झूठे मिलकर एक सच को, एक सच्चे इंसान को मार देते, वही वाला इंसान, मतलब वही वाली बात थी मेरे साथ, मतलब मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां जाकर ये बता सकूं कि मैंने टॉप कर लिया पूरा राजस्थान फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, बट नहीं था ऐसा कुछ भी, मतलब इतना डर। फिर किसी दोस्त ने बताया तो आपके मतलब छोटे भाई के ने टॉप कर दिया, बोला वैसे वो माने ही नहीं, चलो ठीक है। फिर मैं गया, वो पापा मैंने टॉप कर दिया, मतलब कॉलेज टॉप किया, पापा खाना खा रहे थे, मुझे आज भी याद है, एकदम तौलिया लपेट के आराम से बैठे थे सरकारी आदमी की तरह, यहाँ पे वॉच थी ऊपर, बनियान तो रहता ही वो एक बड़ा था, वॉच ऐसे बैठे बड़ी भैया की तरफ देखे और कहा कि तू देख क्या, मतलब उनको यकीन नहीं था, सीधी सी बात, बड़े भैया गए देखा तो पापा को बताया कि हाँ टॉप कर दिया, तोलिया वोलिया सब बदल के पेंट वेंट पहन के खुद देखने गए, अभी भी यकीन नहीं हुआ पेंट वेंट पहन के गए, और मतलब पैंट पहन के गए, फिर उन्होंने नेट पे देखा भाई साहब पूरा मतलब टॉप वगैरह कर दिया, तुम पूरे मोहल्ले में उठाई बाटी, मेरे बेटे ने टॉप किया। वो दिन मुझे आज भी याद है कि कितना खुश थे मेरे पापा, बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था, बट एक खुद की भी तो होती है ना कि यार मतलब झंडे गाड़ दिए पर सेकेंड ईयर मैंने फिर टॉप किया, अब तो जर्नी अब गेयर लग चुके थे मेरे, और हकीकत था अब गेयर लग चुके थे, मतलब अब दिन थे, अब अपने दिन थे, अपने दिन स्टार्ट हुए थे। उससे पहले हम वो थे, उससे पहले मैं वो बच्चा था जब शायद घर में कोई फंक्शन हुआ करता था, मैं
छिप जाया करता था, मैं ऊपर जाके बैठ जाया करता था। मैं यार कोई आएगा, बुआ पूपा मामा पूछेगा क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लान है, ये वो फलाना। तो ये बसंत ना दिमाग बड़ा डिप्रेशन में डाल देती थी। 5 लोगों के सामने आपको पूछा जाए कि आगे क्या प्लान है, पेपर कैसा गया, पेपर लेके बैठ जाते थे हमारे पूपा जी थे, वो पेपर लेके बैठते, इसका क्या किया, इसका क्या किया। और वो जब पूछते थे तो आधे से ज्यादा गलत, वो तो शायद टीचर ही हमें अपने मन से पास कर दे, बाकी आधे से ज्यादा गलत हुआ करते थे, समझ रहे हो। तो इतना डरते थे जिसके आदमी फिर सेकेंड ईयर भी टॉप किया। अब क्या हुआ, सेकेंड ईयर टॉप कर लिया। अब ये बहुत जरूरी मूवमेंट है, ध्यान से देना। मेरा कॉम्पिटिटर कोई था ही नहीं आसपास, एक था बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तरुण शर्मा, बहुत अच्छा दोस्त था और आज भी इतना अच्छा है। वो प्लानर था हमारा, मतलब वो जैसे मनी हाइस्ट में प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर, वो हमारी लाइफ का प्रोफेसर था। मतलब कोई ट्यूर हो, कोई मतलब कोई अच्छा खाने का प्लान भी हो रहा है, छोटी छोटी खुशियां होती थी उस समय, कुछ आज अच्छा खाएंगे, आज ना मतलब होटल में बैठ के एकदम टेबल भर देंगे, करो पैसे इकट्ठे, ये खुशियां थी हमारी उस समय की, उस जर्नी की, मतलब इतना मजा आता था। तो मतलब के मतलब बहुत बहुत मजा आता, बहुत मजा आता। तो थर्ड ईयर में क्या हुआ, चोट आ गई थोड़ी सी, एक नशा होता ना, एक बस सक्सेस का नशा, तो वो चढ़ा मुझे अच्छा खासा चढ़ा। फिर थर्ड ईयर में हुआ क्या, 6 नंबर से तरुण ने टॉप किया, मैंने नहीं किया, मैं सेकंड नंबर पे रहा, तरुण ने टॉप कर दिया। और वही दिन पहले, ये पहली बात तो ये चीज सोचनी नहीं चाहिए, आज के बच्चों को मैं बोल दूं कि टॉप वगैरह का ये सोचना नहीं चाहिए, बट उस समय मैं सोच रहा था कि मैंने टॉप क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 साल से मैं कर रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता, इस समय किया। तो तरुण ने टॉप कर दिया, तो ये बात ना छुप गई, मतलब बड़े दिल में ऐसे लगी कि गलत हुआ है लाइफ, मतलब अब तो कुछ तो गलत हुआ है, मतलब फ्लो टूट गया, मानोगे नहीं। फिर मैंने फोर्थ ईयर कम से कम उससे 12 या 13% से ज्यादा टॉप किया था मैंने, मैंने जो थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, मतलब इतना ज्यादा मतलब डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था ना। उससे पहले मैं थ्योरी पे इतना फोकस नहीं रखता था। एक लड़की थी हमारी क्लास में, सरिता वाशने करके, मैं सबके नाम ले रहा हूँ कि बहुत जरूरी है इन लोगों के नाम लेने भी अच्छे, क्योंकि ये दोस्त ही आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सरिता वाशने थी, वो बैठी थी क्लास में, उसने जस्ट कहा कि क्योंकि यार तुम लोग ना प्रैक्टिकल की वजह से ये करते हो, क्या बोलते हैं इसको, टॉप करते हो है ना, ये आप थ्योरी वगैरह को तो तुम लोगों का बस की बात है नहीं, बस प्रैक्टिकल कर लो, लड़कियों की आदत होती है चिढ़ाने की। तो उसने बहुत अच्छी तरीके से मुंह टेढ़े कर करके मुझे चिढ़ाया, दोस्तों के सामने बेइज्जती करी मुझे, यार ये तो गलत काम हो रहा है, ये तो प्रैक्टिकल वालों की बेइज्जती कर रही है, क्योंकि उनकी थ्योरी बहुत अच्छी थी। उस दिन पहली बार उसको चैलेंज दिया कि इस बार इस सेमेस्टर में के गुंडारा के 13 से 1 नंबर ज्यादा होगा थ्योरी में, एक ही नंबर ज्यादा हो, बोले तू कितने भी ला, एक नंबर तुझसे ज्यादा होगा, ये गारंटी है। उस टाइम मूछे नहीं थी, नहीं तो मैं कहता कि मूछ कटवा दूं, बट मूछे नहीं रखते थे, एकदम शाहिद कपूर टाइप के थे, एकदम गोरे गोरे, ठीक है। तो उस समय पहली बार मैं शायद 15 दिन रेगुलर पढ़ा हूँ, 15 दिन तक मैंने स्टडी की वेस्टर्न आर्ट, और वेस्टर्न आर्ट में मेरे 85 नंबर आए थे 100 में से, आउट ऑफ 100 85, बहुत पढ़ा था उस टाइम, बहुत अंधा, क्योंकि बात का सवाल आ गया था, अब सीख गया था मैं। और आर्ट ऐसी चीज थी, उसमें पढ़ने में मजा आ रहा था। उससे पहले पढ़ रहे थे हम क्या, इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मजा ही नहीं आता, बट यहाँ आर्ट की तो 85 नंबर, वो भी रिकॉर्ड था, बोला आज तक भी शायद, मुझे पता नहीं उसके बाद का, तो बट 100 में से 85 मेरे थर्ड ईयर के अंदर आए थे, वो रिकॉर्ड भी टूटा उससे पहले, क्योंकि फाइन आर्ट्स में थ्योरी इतनी इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे। तो ये वगैरह, अब फोर्थ ईयर का टॉप हो चुका था, बात थी मास्टर्स की। देखो सक्सेस तो मिली, अच्छा सब कुछ अच्छा रहा, फ्लो अच्छा, नाम हो गया, होटल्स के अंदर जाना, जर्नी बता रहा हूँ मैं, होटल्स के अंदर जाता था, मतलब 3 घंटे तक वहां बैठे रहना, लाइव लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाना, पैसा आता था, मतलब 2-2 हजार, उस जमाने में जब 20 रुपये बहुत हुआ करते थे, 2-2 हजार रुपये आ रहे हैं, मतलब अंधा पैसा, बस दोस्तों के साथ में मजे करना, सब कुछ हो रहा था। फोर्थ ईयर हो चुका था, बात आ रही थी मास्टर्स के एडमिशन की, तो मैंने DU का डिसाइड किया था उस समय, बट जब फैमिली में बात करी तो पापा वगैरह सब बोली क्या करेगा तू, रहते यहीं पर, क्योंकि फैमिली का फाइनल होता है। तो पापा ने कहा मम्मी सब, मम्मी कहते मारो छोरो मारो छोरो, राजस्थानी में ये कि मारो छोरो, एक लो क्या रेव लो, रोटी क्या खाओ लो, क्या बनाओ लो, मतलब बहुत सी चीजें हैं हमारे वो है, तो नहीं जाने दिया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया, ठीक है। तो फिर मास्टर्स के एडमिशन की जब एंट्रेंस लगे, तो आप मानेंगे नहीं, आप ही के, अब कंपटीशन इतना हाई हो चुका था ना, कि आप ही के क्लास के दोस्त आपको ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो ही चलेगा, लाइव वर्क की कोई जरूरत नहीं है,
मैं उस दिन पोर्टफोलियो ही लाया, लाइव वर्क नहीं था। जबकि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ तो थोड़ा बहुत लाइव वर्क होना चाहिए, मेरे पास नहीं था। मेरे ही कॉलेज में वो तो टीचर से थोड़ी सी अच्छी थी तो वगैरह, बट सारे दोस्त अपने अपना लेकर आए ताकि एडमिशन ना हो, थोड़ा ये होता। बाई कास्ट मैं एससी के अंदर आता हूँ, तो एससी के अंदर आता हूँ तो मेरा एडमिशन, हमारी सीट होती है उसमें एससी की शायद 2 सीट थी और जनरल की ऊपर 3 या 4 थी, ऐसे 3 थी, और ओबीसी वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एडमिशन जब लिस्ट निकली उसमें एडमिशन, उस टाइम एडमिशन के लिए बहुत सारे लोग आए, कर्नाटका पता नहीं कहाँ कहाँ से, केरल से बहुत से लोग आए एडमिशन, मतलब खुद को ऐसा फील हुआ ना कि यार एडमिशन होगा नहीं होगा मास्टर्स में, खुद ही के कॉलेज में खुद को डर लग रहा था, ऐसा वक्त था। बट जब एडमिशन की लिस्ट आई ना तो मैं उस लिस्ट के अंदर नीचे देख रहा था कि मैं एससी वाला जो पोर्शन है मैं उसके अंदर देख रहा था, उस एससी वाले पोर्शन के अंदर 3 नामों में मेरा नाम नहीं था, तो तुरंत मुझे टेंशन हो गई। तो बड़ा फिल्मी, मतलब मैं कह रहा हूँ ना सर, मेरा फिल्मी सब कुछ बड़ा फिल्मी सा चल रहा है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ऊपर देखा, उन्होंने बोला यार क्या तेरा जनरल से है, मेरा एडमिशन जनरल से हो गया था मेरी परसेंटेज की वजह से, तो लिस्ट में पहला नाम मेरा था। तो मोबाइल में फोटो क्लिक की, भैया को सेंड करिए कि आप लोगों ने जब एडमिशन कराया था तो मैं 3rd लिस्ट में था, आपने एडमिशन दिलाने के बाद मतलब अभी अभी मेरा पहले नाम पे है ऊपर। उस दिन भी मैं बड़े चौड़ में था क्योंकि वो मेहनत थी हमारी, देख रहे हो। फिर वहां पे पहले नंबर पे एडमिशन हुआ, फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स भी मैंने टॉप किया दोनों साल। तो फिर अब तो मतलब टॉप का स्वाद चख चुका था मैं, ठीक है सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत बढ़िया। अब कॉलेज के लास्ट दिन, ध्यान से सुनना जितने भी बीएफए कर रहे हैं एमएफए कर रहे हैं, कि ये जो स्टार्टिंग होती है ना बीएफए, ये बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। दोस्तों के टिफिन से शुरू होती है, ट्यूर पे खत्म होती है, मतलब ट्यूर तक चलती है ये जर्नी, मतलब फिर अचानक से 4th ईयर भी हो गया, फिर मास्टर्स की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ एक साल कोई दिक्कत नहीं, दूसरे साल हो गया कहीं पे भी, फिर दोबारा एक जर्नी, फिर वही टिफिन, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, दूसरे स्टेट्स में जाना, फालतू की चीजें इधर उधर सब। बट इस बीच में एक स्टूडेंट, एक बच्चा जो फाइन आर्ट कर रहा है, वो क्या स्किप करता है, क्या भूल जाता है, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे मेन चीज है अपना प्लेटफॉर्म आप बैचलर से ही क्रिएट करते हुए चले, अपने लिंक्स बनाना, अपना मतलब एक तरीके से आपका जो फोकस है कि आपको क्या करना है। कोई जैसे एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता है तो कुत्तों की तरह लग जाओ शुरू से। अब जैसे जो टीचर बनने की ख्वाहिश लेके आता है ना, कई होते हैं जैसे फाइन आर्ट में केवी में है, फर्स्ट ग्रेड में, जो जितने भी टीचर्स लगे हुए हैं वो कभी बीएफए करने नहीं आते हैं, वो कभी भी एमएफए करने नहीं आते हैं, उन्हें सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, एक नाम चाहिए होता है, उनका पहले से मोटिव होता है कि मुझे टीचर बनना है फर्स्ट ग्रेड, मुझे अपने खाते के अंदर 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, ये उनका मोटिव होता है। और वो लोग वो डिसाइड करके आते हैं, फर्स्ट ईयर से इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, सब इजिप्शियन आर्ट वगैरह सबको पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ उनको पढ़ के वो अपना एग्जाम, मतलब आप मानेंगे नहीं मास्टर्स उनका खत्म होता नहीं, उससे पहले वो 1-2 जॉब की, मतलब जो सेकंड ग्रेड की जॉब तो ऐसे सिर्फ मजे के लिए दे देते हैं और क्लियर भी कर लेते हैं, तो उनका इतना फोकस होता है। बट हम उस टिफिन में, उस ट्यूर में, उस आर्ट ट्रेड फेयर में, उस आर्ट फेयर में बस, देन अचानक से, उसके बाद अचानक से गेट बंद होता है आपके कॉलेज के और आपके पास कुछ नहीं होता सिर्फ मार्कशीट के अलावा, डिग्री भी नहीं आई होती इस समय तक, ना कोई प्लान। अब क्या, अब तो सिर्फ रजाइयों में बैठे बैठे ये सोचो कि घर वाले कब तक नहीं कोसेंगे आपको, जिसके जितने अच्छे घर वाले होंगे वो उसे उतना ही कम कोसेंगे, ठीक है। बट कईयों को ऐसा नहीं है, कईयों की एक्सपेक्टेशन होती है चलो पढ़ाई हो गई कमाओ, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव, मैं तो शायद आज ऐसे हाथ खोल के ऐसे बैठ जाऊं तो शायद मुझे रोटी तो दे देंगे। बट हमें जरूरी है अपना प्लान स्टार्टिंग से लेके चलने की, सेकंड ईयर 3rd ईयर से मौज मस्ती बहुत जरूरी है, कोई जरूरी, मैं ये नहीं कहता मत करो, भसड़ मचाओ जिंदगी में, खूब भोकाल मचाओ तबीयत से, बट जब बाद में अपने रूम पे लौटो अपने पास, तो थोड़ा सा मंथन करो, थोड़ा सोचो कि हमें करना क्या है, बहुत जरूरी है वो चीजें सब डिसाइड करो कि क्या क्या एफर्ट्स करने से हमें क्या हासिल होगा, क्या एफर्ट्स करने से हमें क्या हासिल होगा। हमने टॉप किया, बहुत उखाड़ा, सब कुछ किया, मजे किया, मस्ती की, डॉन भी रहे, मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी, मतलब गुंडागर्दी इन द सेंस कि भाई ये चाहिए आज 4 ईजल चाहिए,
प्रिंसिपल रूम में, अगर हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे प्रेसिडेंट के लिए मैं खड़ा हो रहा था, बट मैंने ना होकर मैंने अपने दोस्त को खड़ा किया, घनश्याम को, ताकि क्योंकि कोवल आएंगे, बहुत सी चीजों में डिस्टर्बेंस वो नहीं चाहिए। एक काम करने वाला, एक अच्छा बैट्समैन, सचिन को अगर आप कप्तान बनाओगे शायद वो अच्छा खेल पाएगा, नहीं। विराट कोहली को कप्तान बनाया, ढंग का खेल पाया, नहीं। तो कप्तानी चाहिए ही नहीं, कप्तान दूसरे को बनाओ, अपने खेलो। तो हम वही करते थे, हमारा कॉलेज 2 बजे तक खुलता था, उसको 6 बजे तक अगर किसी ने खोला है तो उसमें हाथ है रवि योगी, के कृष्ण कुंडारा का और घनश्याम योगी का, और तरुण शर्मा, रामराज, सुरेश रेसवाल, हाँ इतने, ये मेन थे ये लोगों का, ठीक है। अनुराधा, एक अनुराधा, ठीक है, प्रिंसी, प्रिंसी, हाँ प्रिंसी भी थी उस टाइम। तो ये लोग थे जिन्होंने उस कॉलेज को 6 बजे तक का किया, शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक का। और कुछ भी खोएगा तो जो लेटर बना था वो मेरे नाम का रहता, कि के खाते, मतलब के के नाम पे लिखा जाएगा, कि अगर सरकारी संपत्ति को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो के उसका हर्जाना भरेगा। ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की बात, उसको 6 बजे तक खुलवाया था, क्योंकि उसी साल फोर्थ ईयर में मैं एमएस यूनिवर्सिटी देख के आया था, बड़ौदा वाली, वो रात को 9-9 बजे भी, 8-8 बजे भी काम कर रहे हैं स्कल्पचर वाले। मगर फिर दिमाग घूम गया, मगो यार यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो बहुत से चेंजेस करवाए, बट आज बच्चे नहीं करवा पा रहे हैं वहां, क्योंकि बच्चों में कमी, संस्था में तो कमी है ही नो डाउट, बट बच्चों में भी कमी है। तो क्या बात थी, हाँ टॉप कर लिया, उखाड़ लिया, ठीक है। अब गेट बंद हो गया साहब, अब कॉलेज का गेट बंद हो गया। एक दिन चौकीदार ने कहा, अब तो आपको डिग्री हो गई ना, उस दिन बहुत चुभा जब 4-5 दोस्त खड़े थे कि यार डिग्री, दूसरे तीसरे दिन की बात है कि यार अब तो डिग्री पूरी हो गई यार, अब क्यों आते हो तुम लोग, तेरी ऐसी की तेजी, साले हमारे कॉलेज ही, आपकी ना जड़े जड़े जम जाती हैं जब आप कॉलेज छोड़ के जाते हो, सही बता रहा हूँ। बड़ा दुख होता है, पेन होता है, ऐसा लगता है मतलब क्या बताएं, मतलब सेटिंग छोड़ के चली जाए, ऐसा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए ना, उससे 100 गुना वाला दर्द है। उसमें तो फिर भी दो दिन रो लो, यहाँ साला आज तक दुख नहीं मिट रहा मेरा, समझ रहे हो, आज तक दुख नहीं मिट रहा मेरा, कॉलेज क्यों खत्म हुआ, क्यों मेरे को 6 साल मेरे इतनी जल्दी निकल गए, आज तक बड़ा दर्द है। वो चाहिए वो दिन, मतलब वो चाय दोस्तों के साथ, वो बैठना ऊपर, मतलब बसण मचाना। मैंने होम थिएटर लगा रखे थे, मास्टर्स की क्लास में होम थिएटर लगा हुआ था, होम थिएटर साउंड्स के लिए, एक साउंड चलता था चारों तरफ बढ़िया से, और काम होता था ईजल पे, काम करने वाले ईजल, मेरी क्लास के अंदर चप्पल या जूते खोल के अंदर आना होता था, क्योंकि मैंने नीचे दरी बिछा रखी थी, मुझे कभी भी ईजल पे काम करना अच्छा नहीं लगा, मैं दरी पे आराम से दीवार पे कैनवास लगा के फिर काम किया करता था। तो बहुत बहुत ही एक अलग ही मजा था, वो एक फील ही अलग था, समझ रहे हो, दोस्तों के साथ मतलब जरूरी था। लेकिन जैसे कॉलेज खत्म हुआ, फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं गुड़गांव सतीश गुप्ता सर के साथ में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है बहुत बड़े, आप सतीश गुप्ता गुप्ता स्कल्पचर आर्टिस्ट अगर लिखोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने उनके साथ में 4.5 साल मैंने काम किया, और बहुत कुछ ऐसा सीखा शायद जो लाइफ में अब तक नहीं सीख पाता। और उनसे मेरी मुलाकात करवाई थी मनोज सर ने, तो मनोज सर के थ्रू ही मेरी मुलाकात हुई थी। ये सब लोगों को आज भी याद है, ये सब लोग मुझे, समझ रहे हो, और नाम कभी नहीं भूलने चाहिए। आपके अच्छे वक्त में जो लोग आपके काम आए, और आपके जो बुरे वक्त में जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई, दोनों को जरूर याद रखें, कि दोनों ही आपको आगे लेके जाते हैं, कोई भी आपको पीछे नहीं धकेलता, अच्छा भी और बुरा भी। तो फिर उसके बाद उनके साथ खूब काम किया, खूब अंधा पैसा कमाया, खूब बहुत कुछ, मतलब 1.5-1.5 लाख की, 2-2 लाख की घड़ियां गिफ्ट किया कर दिया करते थे मुझे, क्योंकि मैंने मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत से आर्टवर्क बनाए उनके लिए, ये चलता है आर्ट फील्ड का, ये इसको नहीं खोलना है अपन को, बट लेकिन मजा था। जो आर्टवर्क मैंने बनाए मनोज सर के लिए बनाए थे, बहुत सारी चीजें थी जो, फिर अच्छा फेम भी आया फिर, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब अपने शहर से चले गए हैं, जयपुर से थोड़ा सा चले गए, जयपुर वापस लौटना चाहिए शायद मुझे बोल ले लो चलो ठीक है। तो फिर जयपुर गया, जयपुर स्टूडियो, एक स्टूडियो क्रिएट किया, देन वहां पे वो बच्चे आते थे जिनके पास किराया भी नहीं होता था, 8-10 बच्चे थे, उनके लिए सब कुछ अरेंज किया, आओ काम करो। बहुत से बच्चे उनमें से निकले, उनमें से एक मुकेश था, उसमें से हिम्मत था, हर्षित था, बहुत से ऐसे ऐसे बच्चे। बट क्या होता है ना कि आप बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ कर लो, समटाइम्स क्या होता है वो आप ही से सीख कर फिर वो आपके बराबर में बैठने की कोशिश करें, बराबर भी बैठो बट खोपड़ी पे बैठने की कोशिश करते हैं। ये होता है, ये नियति है कि
जो मेरे सेकेंड ईयर में आया था ना, वो हल्का गुरूर था, मैं उस हल्की सी ठोकर से समझ गया था। थर्ड ईयर की जो वो था उसमें हल्की सी ठोकर, बट लोगों को फिर ये रहता है कि नहीं यार, ये रेस्पेक्ट हमें भी मिले, ये इज्जत हमें भी मिले। वो इज्जत कमानी पड़ती है। आप जिनसे कभी भी सीखें, जिनके साथ रहें, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, आप उनसे बड़े बन सकते हो बट उनके जैसे नहीं। आप उनके बराबर कभी भी नहीं हो सकते। उनसे बड़े बन जाओगे ठीक है, लेकिन उनके बराबर कभी भी नहीं, समझ रहे हो। मुकेश, मुकेश मेरी सबसे अच्छी कमाई है। ये जो नाम लिया ना मैंने मुकेश, ये छोटा नाम नहीं है, ये आने वाले कला जगत में, अगर राजस्थान में एक अच्छा नाम है, मुकेश, मुकेश कुमार, 8 लाइन 8 बी के नाम से है। बहुत ही बहुत गाय बच्चा है, गाय मतलब शागिर्द तो दुनिया भर के मिले मुझे। हकीकत बता रहा हूँ, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए होंगे, 100 सवा 100 पढ़ा दिए होंगे, बढ़िया तबीयत से, 100 सवा 100, वो जो नजदीक रहे खूब सीखे तब आके, बट मुकेश जैसा कोई नहीं है। मुकेश एक नंबर, एक नंबर, मतलब बड़ा, मतलब उसको कहता हूँ ना मैं, सीधा चलते 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 दार कूद जाना कुएं में, तो कूद ही जाएगा भाई, इस कलयुग में ऐसा बाढ़ है वो। तो ये है, फिर वो 4 साल वहां काम किया, फिर थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, आप पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, तो मुझे मना करना था, तो मैंने मना करना था, तो मुझे, मैंने ये बोल दिया भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, डायरेक्ट हम मना कर नहीं सकते, तो उन्होंने उतना ही दे दिया। चलो ठीक है, चलो फिर थोड़ा पढ़ाने लगे, तो पढ़ाने लगे तो फिर अच्छा लगने लगा, डिसिप्लिन आया लाइफ में, 7 बजे 8 बजे उठना, क्योंकि इससे पहले लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जर्नी चल रही है, अभी पढ़ा रहे हैं, खुद के काम भी कर रहे हैं, खुद के 3 स्टूडियो हैं अच्छे अच्छे गुड़गांव हैं, जयपुर है, और अपना इसको स्टूडियो कह सकते हैं। स्टूडियो के लिए आपको एक बड़ी सी हॉल की जरूरत नहीं होती है। स्टूडियो किसे कहते हैं, वो नहीं एक बहुत बड़ा सा हॉल है या बहुत बड़ी सी जगह है, आप ये मेरा स्टूडियो, आपका एक कमरा भी आपका एक स्टूडियो है, ठीक है। तो उस कमरे को भी आप स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हैं, बस एक सोल लानी है, एक आत्मा लानी है, वहां पर आराम से बढ़िया सा साउंड चलाओ, चाय पियो, दमादम और काम करो, तो वहां पे वो ओरा क्लियरली बन जाएगा। अब जर्नी चल रही है, अब आगे का कोई पता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जीवन भर प्रोफेसर हूं, पढ़ाऊं, पीएचडी भी चल रही है, खत्म हो जाएंगे, डॉक्टर भी लग गए, ये डॉक्टर वॉक्टर सब घर वालों की खुशी के लिए, मेरे खुशी के लिए नहीं, सीधा अभी बोल रहा हूँ, ये परेशानी जो झेल रहा हूँ मैं, ये पीएचडी वाली, ये उनकी वजह से, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो भाई जर्नी है, चल रही है, अब आगे का को कोई पता नहीं, आगे हो सकता है मैं शायद यहाँ से चला जाऊँ, बाहर रहूँ, क्योंकि दुनिया तो घूमनी है, हमें ऐसे नहीं मरना है, दुनिया घूमनी है और उसे पेंट करना है, ठीक है। दुनिया को घूमना है, अलग अलग कल्चर भी देखना है, पेंट करना है। मेरी कोशिश, मैं एक्सप्रेशन सीरीज पे काम कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से, तो कोशिश यही रहती है कि कुछ नया क्रिएट करूं, हर बार कुछ नया देखूं, ठीक है। दिल्ली मुकेश से नहीं है, जयपुर कुचामन सिटी एक छोटे से गांव से है, खेती करते हैं उनके मम्मी पापा, मिर्ची, मिर्चियों की, गोभियों की, इनकी, बड़ा डाउन टू अर्थ है, गांव से आया है और बहुत अच्छा है। तो ये मेरी जर्नी थी, अभी हाल फिलहाल चल रही है जर्नी, कुछ नहीं है, जीवन भर बस इस पेंसिल का साथ चाहिए। पेंसिल को इसको घिसते घिसते छाती पे ऐसे हाथ रखे, देखो ऐसे, और मुंह खोल के ऐसे मर जाएंगे हम, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो खाना खाओ बढ़िया तबीयत से, 2 टाइम की रोटी और दबा के काम, जीवन का यही आपको वो रखना है सार, 2 टाइम की रोटी खाओ दबा के, शरीर में कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए, काम करते रहो, खटक, अंग्रेजी, फ्रेंच, कोई भी भाषा आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मैं देसी ठोक रहा हूं अभी, पूरा देसी, एकदम हिंदी बोल रहा हूँ, 130 लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हो, जिनके 50K फॉलोवर, जिनके 100K फॉलोवर, मैं उनके भी लाइव देखता हूँ ना, तो 30 40 50 70 मिलते हैं, बट शायद मेरे तो इतने भी नहीं है, लेकिन 134 लोग सुन रहे हैं। कुछ तो दम होगा, कुछ तो बात होगी हम में, शायद हम वो नकलीपन नहीं बेच रहे, ठीक है। शायद आप ये बातें कहीं से रिलेट कर रही होगी, मेरी जो लाइफ की जर्नी है ये कहीं से रिलेट करेगी, क्योंकि हर किसी को, अभी जब ये कबीर सिंह मूवी आई थी तो सबको ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मेरी लाइफ है, ये तो मेरी लाइफ है, कबीर सिंह सेम, कोई भी अपने आप को एक तो कम नहीं समझता, सब चोड़ में, तो सब अपने आप में कबीर सिंह है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइफ रिलेट करती है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो प्लीज बीएफए और एमएफए ये कर रहे हैं, चाहिए इंसान कभी भी नहीं बना। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। तो पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एमएफए कर रहे हो, बीएफए कर रहे हो, प्लीज उस जर्नी को जियो, दोस्तों के साथ बैठो, घूमो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आए, कोसोगे,
जो लड़का दुबई कॉलेज जाता है वापिस आ जाता है, लोग हैं पोक करेंगे आपको, चिढ़ाएंगे 10 बार, उनके सामने हंसो, ठीक है। कई होते हैं गंदे वाले ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, वो आपको पोक कर रहे हैं, हंसो, छच्चा हंस के मुस्कुरा, मुस्कुराओगे तो आपके दुश्मन बहुत जल्दी टूटेंगे। मुस्कुराहट बहुत जरूरी है, मुझे देखा होगा मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, ठीक है। तो किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें रुलाते, हम रोएंगे हमारी मर्जी से, दूसरे की मर्जी से नहीं, समझ रहे हो। लड़की ही क्यों ना, तो ये मोहब्बत वोब्बत छोड़ो, काम पे लगो, ठीक है। मोहब्बत भी उतनी ही जरूरी है जितनी ज्यादा करनी चाहिए, मतलब जितनी करनी चाहिए, सही है। सर आप आर्ट को महसूस करना चाहिए, सिद्धार्थ आप बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हो, अच्छा काम है आपका, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। चलो बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, जय लंकेश, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अगर मैं एक बार देख लेता हूँ, एक दो कॉल लेंगे फिर, ठीक है ना। मोहब्बत बहुत है काम से, बहुत बेनतहा है मोहब्बत का, तो ऐसा कि बेनतहा, बेशुमार, बेपनाह, बेसबब, बेतलब है। जो भी है लाइटें जला लें, हाय सर, बिल्कुल। हेलो, हाउ आर यू सर? सर बिल्कुल फाइन, मैं अभी ये कर रहा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। अच्छा, कहाँ से? थाने मुंबई से हूँ सर मैं, अच्छा, थाने मुंबई, ओके 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 ओके, वेरी थाने स्कूल ऑफ आर्ट सर। गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी सर थर्ड ईयर में हूँ मैं, अभी सेकंड अच्छा, थर्ड ईयर में हो, ईयर, चलो, सेकंड ईयर सर। अच्छा, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर, ओके, चलो अभी और आगे बढ़िया। सर, आपने अभी बताया ना कि ये करना चाहिए अपना, क्या हाँ बोलते हैं, का डिग्री कोर्स, हाँ उसके बारे में सर थोड़ा बताओ ना। मतलब, अच्छा, डिग्री कोर्स मतलब समझा मास्टर्स नहीं। मास्टर्स अच्छा मास्टर्स सर। मास्टर्स, अच्छा मास्टर्स, ओके। तो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रहे हैं कि बीएफए कर रहे हैं? ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रहे हो आप, है ना? हाँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग से सर। अच्छा, ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रहे हैं। तो एमए भी आप ड्राइंग एंड पेंटिंग से ही करना, एमएफए मत कर लेना, ठीक है, आप एमए ओके ही करना। ओके सर, बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि बीए करने वाले बच्चों को सीधा एमएफए करा रहे हैं, जबकि वो डिग्री एलिजिबल नहीं है, ओके, क्योंकि बीएफए एमएफए प्रोफेशनल डिग्री है, बीएएमए नहीं है, वो उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि बीएएमए करके तो 5 साल लगते हैं, बीएफए एमएफए करके 6 साल लगते हैं, तो वो 1 साल कहाँ गया, वो इसलिए है ना। तो आप बीए कर रहे हो, कोई बात नहीं है, अच्छा है, आप गवर्नमेंट सर्विस, जो बीएफए वाले जाते हैं उस वक्त उसी जगह आप भी एलिजिबल हो, अभी तो हाल फिलहाल तो जितना भी जो चल रहा है, इसी के बीच में बहुत से चीजें चलती रहती हैं, तो आप एमए ही करना, प्लीज आप एमए ही करना, ओके, हाँ ओके सर, ओके सर, और बिल्कुल, ओके सर, आपका ओके काम देखते हैं सर डेली, इससे ओके, थैंक यू। और एमए के बाद में अगर नेट नेट पीएचडी कर लो तो फिर सुभान अल्लाह है, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, ओके सर, पीएचडी सर। हाँ, नेट नेट जरूर निकाल लेना, पीएचडी तो है ही, नेट जरूर निकाल लेना। नेट पीएचडी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, चलो, है ना, बाय सर। ओके, बाय बाय, चलिए, बाय बाय। अभी है ना, बाय बाय, मिलते हैं, धन्यवाद सभी को हाथ जोड़ के जिन्होंने मेरी कहानी सुनी और बड़े चाव से सुनी, है ना, थैंक यू सो मच, और सभी को बहुत बहुत प्यार, काम करते रहो, ठीक है।